गाइस इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि अगर हम बात करते हैं ना मिररलेस कैमरास की तो सोनी इज लाइक राइट अप देयर इज द किंग। और यहाँ पे इट्स गुड टू सी कि सोनी किस तरीके से नए नए मॉडल्स निकालता रहता है एंड स्पेशली टारगेटेड टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएटर्स, बिकॉज आज की डेट में जलवा है हमारा भाई चारों तरफ काफी ज्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। और ऐसे में इट्स गुड टू सी कि हमको नए नए प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं जिसके चलते हमारा जो कंटेंट है उसको हम और बेहतर तरीके से शूट कर सकते हैं। एंड ऑल थैंक्स टू सोनी वी हैव वन न्यू मॉडल हियर एंड दिस इज द लेटेस्ट ZV-1F। आज इसी को अनबॉक्स करते हैं। काफी क्यूट सा छोटा सा कैमरा है लेकिन ताकत बहुत ज्यादा लेके आता है। देखते हैं ये प्लस ये मिलके किस तरीके से चीजों को और एनहांस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं यार। इट्स गुड टू यू नो अनबॉक्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स रेदर देन यू नो डूइंग जस्ट स्मार्टफोन्स, एंड हमेशा एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे 2 साल की वारंटी की बातें हो रही हैं, 64 GB का मेमोरी कार्ड अंदर है, फ्री का सामान भैया किसको नहीं पसंद। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो काफ़ी सिंपल पैकेजिंग है। चलो सबसे पहले हमको हमारा मेमोरी कार्ड यही मिल गया है एंड दिस इज सोनी का 64 GB का अच्छा कार्ड है यार। रीड स्पीड्स 270 Mbps की है, विच इज़ यू नो गुड, एक SD कार्ड है। साथ में हमारे पास में है ये कुछ वारंटी एंड यू नो रीडिंग मटेरियल एंड स्टफ विच वी डोंट नीड ऑफ कोर्स। साथ में हमारे पास में नीचे बस इतना सा कैमरा है यार। यहाँ पे हमारे पास में है काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट ये कैमरा, मतलब लाइक लिटरली मेरी मुट्ठी में। इसको अगर हम बाद में चेक करते हैं, इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हमारे पास में बाकी क्या आइटम्स हैं, वी हैव इट्स बैटरी एंड इट्स टाइनी भाई, इट्स टाइनी। देन हियर वी हैव डेड कैट आपके माइक को खरखर फरफर वाली चीज़ों से रोकने के लिए अगर तेज़ हवाएँ चल रही हों। And finally, we have this USB A to USB C cable. यार एक बार मैं इसको साइड रखता हूँ, मैं केवल इस कैमरा को अगर देखता हूँ, this is it. ये कैमरा है, कैसा लग रहा है यार? Guys, ये है कैमरा। और एक बार मैं इसकी बैटरी को भी अगर लगा लूँ, या मेमोरी कार्ड गया अंदर, बैटरी जो है वो भी गई। और हमारे पास में ऊपर यहाँ पे माइक्रोफोन है, मैं इसको लगा लेता हूँ, यहाँ पे गया ऐसे, दैट्स इट। तो कैमरा का अपना एक क्यूट सा हेयर स्टाइल भी है और ये आपकी तेज हवाओं में काफ़ी हेल्प करेगा कि अंदर कोई शोर शराबा नहीं जाएगा। बट या इतना सा सेटअप है यार, और इसको आप बंद कर दोगे तो दैट्स इट, कम्प्लीटली स्लीक एंड पॉकेटेबल डिज़ाइन। खैर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो दिस इज द थिंग जो कैमरा को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगी, विच इज दिस ग्रिप। वी हैव कैमरा से बड़ी तो हमारी ग्रिप है अगर आप देखोगे तो। साथ में देन वी हैव अगेन रीडिंग मटेरियल्स नॉट रियली रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पे देयर इज अ स्मॉल पाउच एज वेल। साथ में हमारे पास में इधर बैटरीज भी थी जो मैंने मिस कर दी, या एक बैटरी टिपिकल जो होती है 20-32 वाली छोटी सी बैटरी इसमें लग जाएगी, बिकॉज इट्स अ स्मार्ट ग्रिप विद ब्लूटूथ, और ये आपको हेल्प करेगी कैमरा को ऐसा ऑन द गो कंट्रोल करने के लिए। खैर गाइस हम इसको सेटअप कर लेते हैं एक बार के लिए, वैसे तो आधा सेटअप तो हो ही चुका है, और फिर आपसे बात करता हूँ ध्यान से इसी कैमरा के बारे में। यार देख रहे हो कितना कॉम्पैक्ट और छोटा सा ये कैमरा लग रहा है। हमने इसको भी पूरा जो है वो अच्छे से कॉन्फिगर कर लिया है। एंड टॉकिंग ऑफ द कैमरा, आई मीन यार आई हैव टू से कि कितने अच्छे से इतने से फॉर्म फैक्टर में कैमरा आ गया है। और यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना बटन्स एंड पोर्ट्स की, जहाँ पे सबसे पहले नीचे हमारे पास में जो है ये स्टैंडर्ड स्क्रू माउंट है ट्राईपॉड या यू नो इस रिमोट कंट्रोल को अटैच करने के लिए। अगर हम यहाँ बोलते हैं तो यहाँ पे यू नो यू कैन हैव योर बैटरी एंड मेमोरी कार्ड। इसके अलावा दिस साइड गिव्स यू 3 पोर्ट्स, आप जो है वो अपना एक्सटर्नल माइक अगर चाहते हैं तो वो अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास में एक USB-C पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर, एंड हियर वी हैव अ माइक्रो HDMI पोर्ट। साथ में आप यहाँ पे अपना कुछ लैनयार्ड वगैरह अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा दिस साइड वी गॉट नथिंग। पीछे हमारे पास में ये एक
फ्लिप आउट स्टाइल का डिस्प्ले है, यू नो दैट यू कैन यूज़ फॉर वेरियस एंगल्स, नीचे ऊपर फ्लिप आउट जैसा आप चाहें। और अगर हम बात करते हैं ऊपर, तो हमारे पास में यहाँ पे हमने खैर इसको अटैच कर लिया था इन द यू नो कोल्ड शू माउंट। आप चाहें तो यहाँ पे माइक्रोफोन्स या एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह अटैच कर सकते हैं। हियर वी हैव द माइक्रोफोन अरे, जहाँ पे एज आई सेड इट हैज़ अ 3 माइक्रोफोन सिस्टम जो एक अच्छे से आपकी वॉइस पे फोकस करता है। वी हैव अ पावर ऑन ऑफ बटन, देन वी हैव बटन फॉर डिफरेंट मोड्स, SNQ यानी कि आपको स्लो मोशन या फास्ट मोशन अगर आपको करना है वो आप तो स्लो एंड क्विक, साथ में फोटो मोड या वीडियो मोड, यू नो व्हाट यू वांट टू डू। साथ में हमारे पास में ये एक टॉगल है, यू नो वाइड एंगल टेलीफोटो के लिए, बेसिकली लेंस तो फिक्स है बट देन अगेन वी हैव यू नो क्लियर जूम ऑप्शंस एंड इट्स अ बिग रिकॉर्डिंग बटन विद वन बटन एज अ शॉर्टकट विच इज यूज फॉर बैकग्राउंड डिफोकस ऑप्शन जो इसे मिल जाता है इनबिल्ट। आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। पीछे हमारे पास में अगेन एज आई सेड वेरी सिंपल लेआउट, वी हैव डायल एंड फंक्शन ऑप्शन है, मेन्यू है, प्लेबैक एंड डिलीट, मतलब सिंपलेस्ट ऑफ द यू नो ऑप्शंस। एंड बिकॉज दिस कैमरा इज डिजाइंड फॉर पीपल जो कि शायद यू नो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको एकदम ऐसा ईजी टू यूज कैमरा सिस्टम चाहिए, तो सोनी हैज़ मेड श्योर कि उनको वो मिले। ये जो ग्रिप है ये भी काफ़ी इंट्यूटिव है, जहाँ पे एक तो ये एज अ ट्राइपॉड काम करती है बड़े आराम से और काफ़ी स्टर्डी, काफ़ी सॉलिड है। और इसमें भी हमारे पास में ऑप्शन है टू क्लिक फोटोज़, यू नो ये भी एक इजी ऑप्शन है, यू नो मूवी रिकॉर्ड करना है, अगेन जूम के लिए ऑप्शन है, वन मोर बटन C1 सेम एज दिस वन, तो जो आप इसको कन्फिगर कर लोगे वही बटन यहाँ पे आ जाएगा अगेन फॉर बैकग्राउंड डिफोकसिंग। एंड एक लॉक का ऑप्शन है कि अगर आपने इसको लॉक कर दिया है तो एक्सीडेंटली अगर आप कुछ प्रेस करते हैं तो कुछ होगा नहीं। और इसको अटैच करना बड़ा ही सिंपल है भाई, आपने इसको एक बार अटैच कर दिया, मतलब इस तरीके से काफ़ी एक आपको छोटा सा, वैसे फिलहाल तो ऐसे एज अ हैमर लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि यार ये ऑफ सेंटर क्यों है, मेरे को पता लग रहा था, बट द फैक्ट इज कि द मोमेंट यू फ्लिप द स्क्रीन आउट, ये देख रहे हो एकदम ऐसा परफेक्टली ये अलाइंड चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस कैमरा की, द फैक्ट इज इट बिकम्स सो ईजी टू यूज़ एंड स्पेशली फॉर व्लॉगिंग, बिकॉज हमारे पास में सामने एक 20mm इक्विवेलेंट लेंस सिस्टम है, इट इज़ फिक्स्ड लाइक अ प्राइम लेंस, F2 इसका एपर्चर है और अंदर हमारे पास में है एक 1-inch टाइप सेंसर। और मेरे ख्याल से इस फॉर्म फैक्टर में इट बिकम्स क्वाइट यूनिक। चलो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा एक बार व्लॉग करता हूँ। तो गाइज अभी जो आप ये फुटेज देख रहे हो ये सीधा ऑफ कोर्स इसी कैमरा से हमने रिकॉर्ड करी हुई है, ऑडियो जो आप सुन रहे हो वो भी आप इसी कैमरा का ही सुन रहे हो, एंड आई मीन इट लुक्स क्वाइट गुड यार, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही है। मैं अगर पास आऊँ या मैं दूर जाऊँ तो आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल रही है एंड इट बिकम्स वेरी ईजी टू व्लॉग लाइक दिस इन दिस हाई क्वालिटी, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड गाइज वन मोर थिंग, बाहर स्क्रीन में जो है वो रेड आउटलाइन आ जाती है जस्ट टू मेक श्योर कि आप रिकॉर्डिंग का बटन दबाना ना भूलें, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि भाई बटन दबाना भूल गए आप, तो वो यहाँ पे आपसे गलती नहीं होगी, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि क्या ये रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है। यू कैन रिकॉर्ड वीडियोस इन अप टू 4K 30fps विच इज़ क्वाइट गुड। और एक अच्छी बात, बिकॉज फ्लिप आउट स्क्रीन है तो यू कैन ऑलवेज सी कि भैया फ्रेम में क्या क्या आ रहा है। एक और अच्छी बात कि बिकॉज आजकल जमाना है भैया वर्टिकल वीडियोज़ का, तो वर्टिकल वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने में और आपको आसानी मिल जाए वहाँ पे ये ग्रिप भी काम आती है, जहाँ पे विद जस्ट 1 and 2 जस्ट दिस मोशन यू कैन होल्ड द कैमरा लाइक दिस एंड नाउ यू कैन रिकॉर्ड वर्टिकली वेरी वेरी इजी। वैसे गाइस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस कैमरा की यू नो एक्चुअल यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल लो लाइट के अंदर काफ़ी ब्राइट परफॉर्म करता है, आई मीन बिकॉज ऑफकोर्स द F2 एपर्चर, तो आपको काफ़ी अच्छी एक लो लाइट के अंदर भी ये क्वालिटी निकाल के दे देगा। इसके अलावा अगर आप यू नो एक्टिवली मूव अराउंड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसका एक्टिव स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, जहाँ पे आपको एक काफ़ी स्टेबल फुटेज मिलती है नो इन ऑल दोज फास्ट मूवमेंट्स। साथ में खैर यू नो ऑफ कोर्स वी हैव द फीचर्स लाइक हाइपरलैप्स या स्लो मोशन वगैरह, तो दोज आल्सो कैन बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ व्लॉगिंग। और ऑल इन ऑल मतलब यू नो एक कॉम्पैक्ट सेट में अगर हम बात करते हैं एक व्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरा की, तो आई बिलीव कि जो ZV-1F है ये काफी अच्छे से परफॉर्म करता है एंड स्पेशली फॉर बिगिनर्स इट्स अ ग्रेट कैमरा। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो फोकस यार काफी अच्छे से काम करता है, यू नो वी हैव मल्टीपल पॉइंट्स फॉर ऑटो फोकस। साथ में अगर आपसे बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल यू नो आप अगर किसी प्रोडक्ट की वीडियो बना रहे हो, लेट्स से यू आर यूट्यूबर, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, तो आपको वन क्लिक ऑप्शन मिल जाता है टू सेट दिस यू नो ऑप्शन ऑन, जहाँ पे इफ यू वॉन्ट टू शोकेस सम प्रोडक्ट टू द कैमरा बड़े ईजिली जो है ये फोकस पिक करता है एंड यू नो कमिंग बैक टू यू एंड द प्रोडक्ट वेन एवर यू फील लाइक। सेम वे में काफी लोगों को वीडियो चाहिए होती है जहाँ पे बैकग्राउंड उनको ब्लर चाहिए कि भैया पीछे एकदम अच्छे से ब्लर हो जाए,
अब यार देखो, इफ़ यू आर यूजिंग अ प्रोफेशनल कैमरा तो यू हैव टू चेंज मल्टीपल थिंग्स ना, कि भाई एफ स्टॉप कितना है या बाकी लाइटिंग कैसी है, फिर अगर आपने एफ स्टॉप को खोल दिया है, मतलब यू नो इट गेट्स टेक्निकल एट टाइम्स. बट यहाँ पे विद जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन इनेबल और डिसेबल दिस इफेक्ट बिकॉज द कैमरा इज स्मार्ट इनफ टू डू ऑल द प्रोसेसिंग बिहाइंड द सीन्स. तो मेरे ख्याल से यार उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इट बिकम्स क्वाइट यूनिक एज अ प्रपोजिशन. एंड कितना छोटा कॉम्पैक्ट सा कैमरा है, आपने इसको सीधा यूएसबी सी से अगर एक पावर बैंक साथ में अटैच कर लिया है तो यू कैन शूट फॉर I don't know, जितना लंबा चाहे आपका टाइम नो उतना आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. साथ में यू कैन अटैच दिस टू योर कंप्यूटर एंड यूज दिस एज एन एक्सटर्नल वेबकैम, और क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है विद ऑल द यू नो एडवांटेजेस ऑफ अ कैमरा लाइक दिस. तो यार ये है सोनी का ZV-1F. बिकॉज इस लाइनअप में सोनी के पास बहुत सारे यू नो ऑप्शंस हैं फॉर क्रिएटर्स, जहाँ पे अगर उनको चाहिए सिंपल येट यू नो काइंड ऑफ एक वर्सेटाइल सेटअप, तो आई थिंक सोनी इज रियली अप देयर. एंड विद दिस ग्रिप मेरे ख्याल से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. इट एक्ट्स लाइक अ ब्लूटूथ रिमोट शटर, तो अगर आपने कैमरा कहीं दूर भी रखा है तो स्टिल यहाँ से यू कैन कंट्रोल द कैमरा बिकॉज इट इज़ ऑल हैपनिंग वाया ब्लूटूथ. प्राइसिंग की अगर आपसे बात करता हूँ तो दिस कैमरा इट इज़ प्राइज्ड फॉर 50,690 rupees. और मेरे ख्याल से विद दिस काइंड ऑफ अ वाइड एंगल सेटअप विद द क्वालिटी ऑफ यू नो अ सोनी कैमरा एंड द ईज ऑफ यूज बिकम्स यू नो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन अगर हम बात करते हैं कैमरा फॉर व्लॉगर्स एंड स्टफ. बाकी आप बताओ गाइज, आपने सैम्पल्स देखे हैं बीच बीच में जिस तरीके से आपको शोकेस किए हैं, कि व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कैमरा, नीचे कमेंट करते बताना जरूर मन की बात क्या है. और वैसे मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है इसका, खाली टाइम में आप इसकी भी हेयर स्टाइल्स को सेट कर सकते हो टाइम पास अगर आपको करना है, अगर आपको फिजिट करना है चीज़ों को. मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.